मिस्टर नागपाल, आपके ख्याल से कोर्ट का फैसला क्या होगा? मैं खुद ये जानना चाहता हूँ। दीपक और रवि कपूर के खून में क्या आपका हाथ था? थोड़ी देर में आप खुद जान जाएंगे। लोहे की चमड़ी वाला लगता है ये? लोहे की चमड़ी? अरे इसके पीछे तो पूरे अंडरवर्ल्ड की ताकत है। दो गवाह तो पहले से ही मैदान छोड़ चुके हैं। डिफेंस काउंसिल, बचाव में कुछ कहना चाहे तो इजाजत दी जाती है? नथिंग योर ऑनर। अदालत मुलजिम नागपाल को बेगुनाह साबित करती है। जज साहब, ये गुनेगार है, ये मुजरिम है। जूरी ने मेरे दोनों बेटों का खून किया है। आप अदालत की कार्रवाई में रुकावट डाल रही हैं। आप बेशक मुझ पे इल्जाम दीजिए, लेकिन ये सच है जज साहब, इसने मेरे दोनों बेटों को मुझसे चुना करके अलग कर दिया है। ये काबिल है, काबिल है जज साहब। नागपाल को बरी किया जाता है, सबूत पेश करने में नाकाम रही है, लिहाजा अदालत नागपाल को रिहा करती है। थैंक यू ऑनर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मैडम। मिस्टर नागपाल, इसको जरा संभालो। क्या कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई हमें। हाँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता। करीब आके देखिए इंस्पेक्टर, मुझ में एक दोस्त नजर आएगा। मुझे तुम जैसे दोस्तों की जरूरत नहीं नागपाल। मिस्टर नागपाल, आपकी इस बात को मैं याद रखूंगा इंस्पेक्टर। Cheers! Cheers! We are together again. Let's enjoy this party. One more cheer for Ranbir Sahab. Cheers! Sir, आपको बेडरूम में पता नहीं हो मैं कितना बिजी हूँ। जो भी हो उन्हें कह दो कि साहब घर में नहीं है। हेलो रणबीर साहब, नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग यू डन फॉर मी। तुम जैसी ताकत को मैं जेल में बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन अब मुझे तुम्हारी जान की ज्यादा फिक्र हो रही है। आपकी मेहरबानी से मैं आजाद हूं। जो लोग मेरे खिलाफ गवाही दे सकते थे उनके भी मुंह बंद कर दिए गए। अब किसी से क्या डरना। मैं अभिषेक के बारे में सोच रहा हूं। उसकी भी हिम्मत नहीं होगी रणबीर साहब। बेवकूफी की बातें मत करो नागपाल, मैं दो आदमियों को पहले खो चुका हूं और तुम्हें नहीं खोना चाहता। अभिषेक को कोई नहीं जानता, लेकिन वो हमें बहुत अच्छी तरह जानता है। मुझे तुम्हारी सलामती का पूरा भरोसा चाहिए। आप चिंता मत करिए सर, मैं अपना पूरा इंतजाम रखूंगा। अगर अभिषेक ने अब हमारे खिलाफ एक कदम भी बढ़ाया तो वो उसकी जिंदगी का आखिरी कदम होगा। हाँ रणबीर साहब। ओके, See you soon. किसे बातें कर रहे थे? ऐसे ही एक दोस्त से। कहीं आज रात का अपॉइंटमेंट तो नहीं ले लिया? अरे तुम जैसी बीवी के होते हुए रात का अपॉइंटमेंट कहीं बाहर कैसे मुमकिन है? हटो, चालबाज कहीं के। चलो खाना तैयार है। 7 साल हो गए हमें शादी किए, लेकिन आज भी ऐसा लगता है तुम वही औरत हो जिसे मैंने पहली बार पसंद किया था। और तुम? हाँ, अब ये मत कहना कि मैं भी आज तक वैसे ही लगता हूँ। सिर्फ थोड़े मोटे हो गए हो। और मुझे भी उस दिन का इंतजार है जब तुम मोटी हो जाओगी। आज जो कुछ मेरे पास है सब तुम्हारा दिया हुआ, तुम्हारे पिताजी का दिया हुआ बिजनेस, पैसा, लेकिन एक बेटे के बदले में मैं इन सब चीजों को बढ़ा सकूं।